भी हुआ है। ओलाताम्बो में आया हूँ, मेरे होस्ट जो है वो मेरे को पिक करने के लिए आए ऑन टाइम, और वो है वैसे अमेरिकन और 8 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा किस लिए आप इधर रह रहे हो, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऐसी चीज़ है जो दुनिया में कहीं नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा ऐसी क्या चीज़, तो बोले कि इनका सिविलाइजेशन, यानी कि जो यहाँ का सिविलाइजेशन था इनका, वो उनको बहुत पसंद है और रुइंस है, पुराने रुइंस, तो इसीलिए वो 8 साल से इधर हैं और कभी वापस नहीं जाना चाहते अमेरिका। शाम के 9 बज रहे हैं और मैं हूँ अभी ओलाताम्बो। ये छोटा सा गांव है जिसको भी माचू पिचू जाना है, वो कुस्को से ओलाताम्बो आएंगे और ओलाताम्बो से माचू पिचू पुएब्लो यानी कि सिटी, इधर से ट्रेन पकड़ के जाना है किसी को भी अगर माचू पिचू जाना है तो। और मैं वापस आया माचू पिचू पुएब्लो से, और मैंने सोचा कि आज एक रात इधर गुजारा जाए और कल आसपास का जगह जो है उसको थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। और छोटा सा ये प्लाजा है, सेंटर प्लाजा। सुबह के 9 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि आज जाऊंगा मैं दो जगह यहाँ पे जो कि जरूर देखना चाहिए। मेरे होस्ट का घर है, मैं निकलने वाला हूँ। कल रात काफ़ी ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी इधर, और ठीक ठाक था, रेस्ट ठीक से किया। और सुबह मैं निकल रहा हूँ अभी सालिनेरस यानी कि सॉल्ट माइंस, और एक और जगह है जिसका नाम है मोराय। तो दोनों एक दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आज दोनों एक ही साथ कंप्लीट किया जाए, और यूजुअली ज़्यादा पैसा लगता नहीं है इसके लिए क्योंकि मैं टैक्सी में कर रहा हूँ, मेरे लिए ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम है। जॉन, थैंक यू, आई विल सी यू इन द इवनिंग। ओके, इज माय होस्ट और वो कुछ काम कर रहे हैं उधर, तो वो थोड़े एज हैं और ज़्यादा इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, ब्लॉग्स जो भी हो। तो काफ़ी तरीके हैं ओलाताम्बो से ये दो जगह जाने के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से एक टैक्सी लेके जा सकते हैं, मतलब कलेक्टिव टैक्सी जहाँ के शेयर करते हैं लोग, या फिर आप अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जैसे मैं गया आज, आप वैसे कर सकते हैं जैसे कि आप इंडिविजुअली भी लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, 120 सोलेस देना पड़ेगा आपको। एक सोलेस करीब करीब 22 रुपये का होता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैंने सोचा कि जगह देख लूँगा तो ठीक रहेगा थोड़ा, तो इसीलिए मैं निकला। मेरे ड्राइवर यहाँ पे रुके हैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए। मेरा ब्रेकफास्ट प्लाजा के पास ही हो गया था जहाँ पे मैं ओलाताम्बो में सुबह आया था, तो मैं भी कुछ खा नहीं रहा, लेकिन मेरे होश खाने खा रहे हैं। पूरा ये जो ओलाताम्बो का जो छोटा सा गांव है पूरा घिरा हुआ है माउंटेन्स, बहुत खूबसूरत है। अभी तो बहुत ठंड लग रही है, लेकिन मुझे पता है कि 10-11-12 बजे तक बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। छोटे छोटे से घर है, बहुत अच्छे से रखा है।
क्योंकि इतना खूबसूरत है मोराई। तो यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे इंकास ने थोड़े दूर में, यहाँ से थोड़े दूर में इंकास के जो लोग थे उन्होंने अपना घर बनाया था और यहाँ पे वो लोग स्टेप फार्मिंग भी करते थे। तो मेरे साथ आज और दो लोग हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से ट्रैवल कर रहे हैं, बैंगलोर भी आ चुके हैं, उनको बहुत पसंद है इंडिया, तो लकीली यहाँ मिले, मेरे को बहुत खुश हुए। और वो भी वहीं जा रहे हैं जहाँ मैं जा रहा था आज रुइंस देखने के लिए। तो योर गुड नेम लुसाना, ये लुसाना और ये है उनके हस्बैंड, व्हाट्स योर नेम अगेन? माय नेम इज ग्लेन। ग्लेन और लुसाना के साथ मैं भी जा रहा हूँ आज, होपफुली इट विल बी अ गुड आउटिंग। देखा जाएगा कि वहाँ पे कैसा है। ¿Qué intención? Pues es allá donde encuentran una serie de microclimas diferentes, variados, hay una variación de yeah. One of the oldest ruins है ये South America का, और हजारों साल पहले यहाँ पे लोग अलग अलग अनाज उत्पादन करते थे। एज पर आर्कियोलॉजिस्ट ये जो ईच एक एक स्टेप जो दिख रहा है यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छः अलग अलग यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करते थे, और ईच स्टेप, हर एक स्टेप में अलग अलग क्लाइमेट हुआ करता था। तो माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं उसको आज के ज़माने में, जैसे आप हम लोग ग्रीन हाउस से एक अलग टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं अपने रूम में, सिमिलरली ये लोग अलग अलग जगह से सॉइल लाके ये लोग यहाँ पे अलग अलग सॉइल और अलग अलग अनाज उस सॉइल के हिसाब से ग्रो करते थे। और काफ़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी था इंका सिविलाइजेशंस के लोगों के, इंका सिविलाइजेशन काफ़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करता था बेसिकली, ये बोलना चाह रहा हूँ। और बहुत सारे लोग हैं उधर, टूरिस्ट हैं बहुत सारे लोग। आप अगर आते हो माचू पिचू या फिर ओलातायतांबो आते हो तो आपको ज़रूर ये साइट विज़िट करना चाहिए। काफ़ी खास नहीं लग रहा, लेकिन ऑन अ गुड डे ये बहुत ग्रीन और लश ग्रीन रहता है, जैसे यहाँ पे ये ग्रीनर साइड है। बाकी सब जो दिख रहा है आपको वो बहुत ड्राई लग रहा है अभी, यूजुअली बहुत इट्स अ वेरी फ्रेश फीलिंग देता है, अगर ये ग्रास अगर उग जाता है तो बहुत अच्छा फीलिंग देता है। जो मोराई का जो ट्रिप था अच्छा था बहुत। मैं भी एडवाइस करूँगा सब लोगों को एक बार आने के लिए, क्योंकि रुइंस एक ऐसी चीज़ होती है जो भी ट्रिप, पेरू में बहुत सारे रुइंस हैं क्योंकि यहाँ की सिविलाइजेशन बहुत डिस्टिंक्ट है, यूनिक है। तो आप अगर माचू पिचू आओगे तो ओलातायतांबो में एक दिन रुकिएगा, उसके बाद ओलातायतांबो से आप काफ़ी सारे रुइंस कवर कर सकते हैं। मैंने आज कवर किया मोराई, अभी मैं नेक्स्ट कवर करूँगा सालिनेरा जो कि सॉल्ट माइंस है, कल कवर करूँगा चिंचेरा, और ओलातायतांबो भी है, वो भी
कवर करूँगा और एक उसके बाद एक और साइट है वो भी कवर करूँगा, तो वो मैं दिखाऊँगा आपको, होपफुली आपको अच्छा लगेगा और होपफुली मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। इसलिए मैंने सोचा कि आज ये सालीनेरास भी कवर करेंगे। और काफ़ी कुछ है नहीं लेकिन देखने लायक है, एक बार आया जा सकता है। नॉट डेफिनेटली अकेले आ सकते हो, लेकिन मैंने सुबह टैक्सी ले लिया था तो इसीलिए मैं इनके साथ आया, नहीं तो आप अकेले भी आ सकते हो। दो जगह से आप आ सकते हो, ओलताईतांबो से या उरबांबा आके उरबांबा नामक गांव में उतर के और आप वहाँ से चल के आ सकते हो, या फिर उरबांबा में अगर आप रुके हो तो उरबांबा से आप डायरेक्ट चल के आ सकते हो। हो गया मेरा और जहाँ मेरे होस्ट रहते हैं उस उनके घर से ओलताईतांबो का जो रुइंस है ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से प्रॉब्ली एक घंटे का हाइक हो सकता है प्रॉब्ली। तो मैं जा रहा हूँ वो फिनिश करने के लिए अभी, और कल दो और मेरे टिकट में दो और साइट्स हैं जो कि एक है सिंचेरा और दूसरा है पिसाक, दोनों ऑन द वे आते हैं। जब मैं उसको जाऊंगा इधर वापस ओलताईतांबो से तो ये रास्ते में पड़ता है और दोनों मैं विज़िट करूंगा, ये प्लान है अभी के लिए। आज रात को मेरे को जाने का प्लान था इधर से, लेकिन टिकट में चार और जगह दिखाए गए हैं जिसमें एक टिकट से मैं एंट्री कर सकता हूँ चारों जगह, तो आज रात को मैं इधर ही रुक रहा हूँ मेरे होस्ट के यहाँ पे, और मेरे होस्ट ने परमिशन दिया मेरे को, तो थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ इसीलिए मैं कल निकलूँगा सारा साइट से पॉइंट्स देखने के बाद। इस जगह की हिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं, लेकिन मैंने ना ही टूर गाइड लिया, देखने के लिए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पता नहीं यहाँ पे ये जो टूर गाइड है सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत सुंदर है और ओलताईतांबो जनरली एक बहुत छोटा शहर है,
जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरफ से लेकर इस तरफ जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन बहुत सुंदर है। और ये देख के हैरानी होती है कि यहाँ पे लोग इतने बड़े बड़े पत्थर को लेके कैसे आते होंगे, और आराम से इसको दरवाजे की तरह द्वार जैसे बना दिया है, इतना अच्छा शेप्स दे दिया है इसको, बहुत अच्छा है। वो जो सेक्शन दिख रहा है ये प्री इंका करके लिखा हुआ है, यानी कि इंकन सिविलाइजेशन से भी पहले का वो सेक्शन है। तो ये ऑलरेडी पुराना एक रुइन है इंका का, उससे भी पुराना रुइन वहाँ पे है जो कि हज़ार साल पुराना है। जब मैं उत्तराखंड गया था लास्ट ईयर, तभी मेरा फ़ोन टूट चुका था और मैं अभी तक उसको यूज़ कर रहा था। सोचा कि ये ट्रिप में पूरा यूज़ होगा, लेकिन इस ट्रिप में टूट ही गया फ़ोन। ये जो रुइंस का जो लास्ट पार्ट है, यहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट्स हुआ करता था, जैसे आप देख सकते हैं इधर। ये सॉर्ट ऑफ अलग अलग लोगों के लिए स्टेडियम जैसा था ये पुराने ज़माने में, और वहाँ पे वो लोग जो भी इवेंट्स या जो भी हो वहाँ पे वो परफॉर्म किया करते थे। तो और अगर इस तरफ देखोगे ये ऊपर से लेके नीचे तक एकदम शानदार तरीके से इन्होंने इरिगेशन का मैकेनिज्म बना के रखा है उस ज़माने में, और फेसिंग सामने था ये रुइंस के एग्जैक्टली सामने है ओलाताytambo का डाउनटाउन नहीं बोल सकते, ये है ही छोटा सा शहर, सो छोटा सा गांव, तो जस्ट बोल सकते हैं कि मेन स्क्वायर ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ये बाहर का पोर्शन, और यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे लोग जो हैं कनाडा से आए हैं, और ये लोग अपना ओन डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं इनका रुइंस के बारे में। इतना रिच इनका कल्चर था, वर्थ है कि कोई आप इसमें दिन बिताएं या महीने बिताएं जानकारी के लिए, और डॉक्यूमेंट्री बनाएं जिससे कि लोगों को पता चले। ये मेरे को लग रहा है कि ये नेचुरल जो पानी है ये उन लोगों का इरिगेशन करने का टेक्निक था, काफ़ी कुछ इंटेलिजेंटली सोच के बनाया है। Thank you.